बालवीर 1, बालवीर रिटर्न और बालवीर 3 आखिर इन तीनों सीजन में किसकी CGI, VFX और स्पेशल इफेक्ट सबसे अच्छे हैं और किसकी सबसे बुरी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एशियन टीवी शोज। तो जिस तरह हमने बालवीर 3 के पहले ही दिन आपको ये बताया था कि बहुत ही जल्दी हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे कि आखिर बालवीर 3 की VFX कितनी बुरी है इस कम्पेयर टू बालवीर रिटर्न। तो काफी लोगों ने सीजन 3 की तारीफ की कि उसमें बहुत ही अच्छी CGI और VFX है, लेकिन मैं उन सबके साथ एग्री नहीं करता। तो वो क्यों, चलिए आपको बताते हैं और इसलिए वीडियो पूरा देखना। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन हमें बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करें बालवीर 1 की, तो आई थिंक हमें उसकी कंपैरिजन बालवीर 10 और बालवीर 3 से नहीं करनी चाहिए, ये जो बहुत ही ज्यादा पहले स्टार्ट हुआ था। तो बालवीर 1 जिस टाइम टी पर स्टार्ट हुआ तो उससे पहले इतने ऑसम VFX और CGI हमने सिर्फ एक ही टीवी शो में देखे हैं और वो है खातिम, जो कि अपने जमाने का मास्टरपीस रहा है और आज भी मास्टरपीस है। जो VFX और CGI खातिम में यूज हुआ था वो काफी ज्यादा जबरदस्त और लाजवाब थी उस टाइम के हिसाब से। बट उसके बाद बालवीर ने सच में कमाल कर दिया, जिस तरह के फेरी टेल को उन्होंने टीवी पर दिखाया वो सच में काफी ऑसम था। सीजन 1 चूंकि काफी लंबा चला तो उसमें कुछ जगह पर उसका CGI और VFX अच्छा रहा तो कुछ जगह पर काफी बुरा, पर ओवरऑल अपने टाइम के हिसाब से वो बेस्ट VFX था और इतना अच्छा शो मैंने कभी कोई भी नहीं देखा जितनी अच्छी VFX और CGI बालवीर 1 में अपने टाइम के हिसाब से यूज हुई। सो दैट्स इट। और अब चलिए फाइनली कंपेयर करते हैं सीजन 2 और सीजन 3 की, क्योंकि वो दोनों ही हाल ही में रिलीज हुए तो उसका तो कंपेरिजन बनता ही है। तो सबसे पहले दोनों के टाइटल अनाउंसमेंट टीजर की बात करें तो बालवीर 10 का पहला टाइटल अनाउंसमेंट टीजर कुछ इस तरह का था, जो कि सच में काफी अच्छा था। और बालवीर 3 ने फिर ये अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया जिसे देखकर मैं काफी हैरान था कि वाह क्या ऑसम है। बट फिर पता चला कि सोनी सब ने ये हूबहू कम्प्लीटली कम्प्लीटली ये अनाउंसमेंट टीजर द रिंग्स ऑफ पावर टीवी शो से चुराया है। जी हाँ, उन्होंने कम्प्लीटली हूबहू उसकी कॉपी की थी। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं द रिंग ऑफ पावर के अनाउंसमेंट टीजर को। वेल तो टाइटल अनाउंसमेंट के बाद बालवीर 10 ने ये ऑफिशियल टीजर रिलीज किया जो कि मेरे ख्याल से अब तक का बेस्ट टीजर रहा है। जरा देखो ये CGI, VFX, विजुअल और साउंड इफेक्ट, इन सब कुछ कितना ऑसम है। और बालवीर 3 ने ये टीजर रिलीज किया वो भी सच में काफी अच्छा था। CGI एंड VFX तो बहुत ही अच्छे लगे। टीजर के बाद बालवीर रिटर्न ने फाइनली अपना फुल ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जिसे देखकर आज भी मजा जाता है। जरा देखो, इंसानियत पर हैवानियत के मंडराने की ये कहानी है बालवीर के वापस आने की। धरती की तबाही का वक्त आ गया है, अब तो बालवीर को। इसकी VFX, CGI, स्पेशल इफेक्ट, विजुअल्स, कलर्स, लाइटनिंग और म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट सब कुछ परफेक्ट है। जस्ट ऑसम। फिर बालवीर 3 के टीजर के बाद हम इंतजार कर रहे थे कि अब हमें फाइनली फुल ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्या हुआ, सोनी सब ने उसी टीजर को दोबारा अपलोड किया और उसी में रिलीज डेट बता दिया। नो कोई प्रोमो, ना कोई ऑफिशियल फुल ट्रेलर, कुछ भी नहीं, बस डायरेक्टली शो को टीवी पर डाल दिया। तो हाँ, टीजर और ट्रेलर के मामले में बालवीर 10 की VFX काफी ज्यादा अच्छी थी। और अब फाइनली बात करें एपिसोड्स की कि किस सीजन के एपिसोड की VFX अच्छी थी। चूंकि शो के प्रोमो काफी ज्यादा छोटे होते हैं तो इसलिए शो के मेकर्स पर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं उसे खूबसूरत बनाने के लिए, और इसलिए उसमें काफी ज्यादा हाई VFX और CGI यूज होता है ताकि लोगों को वो खूबसूरत लगे और लोग शो को देखे। इस कम्पेयर टू एपिसोड में उतना ज्यादा अच्छा VFX वगैरह यूज नहीं होता जितना के शो के प्रो में। बालवीर 10 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से हुई, जहां पर हमें बालवीर की हिस्ट्री और उसका मकसद बताया गया था जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। वो VFX और CGI सच में अमेजिंग था। और उसके बाद उन्होंने जो परिलोक को दिखाया और जो परियों को दिखाया वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत था, उसका CGI, VFX वगैरह सब काफी अच्छा था। इसके अलावा बालवीर 10 में जितने भी लोग के फिर बैकग्राउंड होते थे वो सब काफी अमेजिंग लगते थे। अब जरा ये परिलोक देखो, ये वीर लोग देखो, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली आप लोग ये खाल लोग देखो,
नेक्स्ट आप लोग शिनकाई देखो। और अब आप लोग देखो द्राक लोक को। इस सब की CGI VFX स्पेशल इफेक्ट और विजुअल एकदम अमेजिंग है। आई मीन जस्ट वाव। वैसे ऐसे और भी काफी सारे सीन है पूरे बालवीर टर्न में। और अब चलिए आपको दिखाते हैं बालवीर 3 के लोग। तो सबसे पहला आप लोग उदा का लोग को देखो, जिसे बालवीर एक मिनट में जमीन से उखाड़ देता है। मतलब वो इसी एक मिनट में पूरा उदा का लोग बना देता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे पहले वो सब लोग कहाँ पर रहते थे। सॉरी, पर शायद वो सब अगारा में रहते थे। वेल हाँ, उदा का लोग थोड़ा बहुत अच्छा दिखते हैं, लेकिन शो में उसके काफी कम ही सीन है। तो हाँ, लेकिन जिन भी सीन में उसे दिखाया गया है तो वो अच्छे हैं। मैं कहूंगा कि हाँ, उदा का लोग खूबसूरत है। वैसे बालवीर 3 में काफी सारे ऐसे उदा का लोग के सीन है जो कि उन्होंने बस लिटरली बालवीर 3 से चुराए हुए हैं। जिससे कि आप इस सीन को ही देखो, ये वही बालवीर टर्न वाला बैकग्राउंड है। और तो और बालवीर टर्न में जो ट्रांजिशन होता था ना एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक, तो ये भी उन्होंने चुरा लिया बालवीर 3 में। और जब बालवीर 3 शुरू हुआ तो उन्होंने सिर्फ हफ्ते में 2 एपिसोड को रिलीज किया, वो भी 20-20 मिनट के, और कहते थे कि काफी ज्यादा हैवी एडिटिंग है, तो उस वजह से यहाँ पर वो शो को काफी ज्यादा कम अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट शशवान लोग। तो यह है विशेषवान लोग जो कि ऊपर से एकदम कार्टून लगता है, जो कि पानी के ऊपर बस कुछ बिल्डिंग है और उसके ऊपर स्पेसशिप उड़ रहे हैं। लेकिन वीर लोग या शशवान लोग को अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा है, जहां पहाड़ भी हैं, सहरा भी है और भी पूरी दुनिया, लेकिन कोई स्पेसशिप नहीं है। खैर, तो 10% जगहों पर वीर लोग के VFX काफी अच्छे हैं, लेकिन 90% काफी बुरे हैं। नेक्स्ट हिमबाश लोग। वाह, ये देखो, हाँ थोड़ा बहुत अच्छा है, आई मीन कंपेयर टू बालवीर 3 के बाकी के लोग, लेकिन ये एक्सट्रीमली बुरी है बालवीर 3 के काल लोग के सामने। उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आई मीन आप इन दोनों के VFX, CGI, स्पेशल इफेक्ट और इन दोनों के विजुअल्स को देखो, आपको सच में कौन सा लोग अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काल लोग इससे 1000 गुना बेहतर है, मैं ही कहूँगा। वेल बालवीर 3 में से बहुत सारे सीन होते हैं जहां पर बैकग्राउंड और लोकेशन को 3D बनाया गया है, लेकिन 3D बनाने के चक्कर में कार्टून बनाते हैं और बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगते, जैसे कि इन सब सीन्स में। और जहां पर 3D की जरूरत होती है वहां पर सस्ता 2D बैकग्राउंड लगा देता है, जैसे कि इस फाइट सीन में। उसके साथ शो की CGI की सबसे बड़ी मिस्टेक उसकी लाइटनिंग की है। आई मीन शो में 70% से ज्यादा ऐसे सीन होते हैं जहां पर एक करेक्टर दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में खड़ा होता है, लेकिन उन पर ये बकवास ब्लू लाइटनिंग होती है। आई मीन यार, ये चीज देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि क्या बताऊं। खैर, मैं बालवीर के VFX टीम को ये कहूंगा कि जिस तरह CGI और VFX उन्होंने बालवीर टर्न के स्टार्टिंग में यूज की थी, उसी तरह आगे बालवीर फॉर्म भी करें। जरूरी नहीं कि हर एक चीज को आप 3D में बनाओ, जब उसे रियलिस्टिक नहीं बना सकते तो कार्टून मत बनाओ। और इस शो की लाइटिंग पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। एनीवे, मैं बालवीर 3 से किसी हॉलीवुड लेवल की CGI और VFX एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मुझे पता है कि एक TV शो है, बस एटलीस्ट जिस तरह की VFX और CGI उन्होंने बालवीर 3 और अलादीन आखिरी गायब मोडन जिसे शो में यूज की थी, उसी तरह बालवीर 3 भी या फिर बालवीर 4 भी यूज करें। यार एक बार फिर से वीडियो काफी लंबी हो गई, हालांकि मैंने इससे पहले भी इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो काफी डिटेल के साथ थी और उसमें तकरीबन 13-14 मिनट की वीडियो थी, लेकिन वो डिलीट कर दिया और एक बार फिर से मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन ये भी काफी लंबी हो गई। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड हाँ, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमारा चैनल काफी जल्दी बदलने वाला है, सब कुछ चेंज होने वाला है और फेसबुक भी हम करने वाले हैं बहुत जल्दी, तब हमारे पिछले वीडियो को देख लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय।